पर दे के लिहाज से जाएंगे तो हर चीज हमने देखनी होती है मेरे भाई। इसमें इसका रिकॉर्ड ऑडिट उन्होंने कहा कि नहीं करवा रहे थे, मैंने FIA को कह दिया कि आप उसका ऑडिट करवाएं, क्योंकि ऑडिट कोई भी इदारा ऑडिट नहीं करवाएगा उसको हम जबरदस्ती, क्योंकि ये हुकूमत और सिफारत खानों के भी हमने ये कहा है कि रिहाइश गाहों में देखिए, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ पे अच्छा इतनी महंगी महंगी, मुझे जो सुनने में आया तो मैंने, और मुझे सुनने में क्या, मैंने खुद देखा भी है, इतने महंगी महंगी जगहों पे और इतनी महंगी बिल्डिंग लिया है, अगर वही पैसे कुछ जगहों पे जो इन्होंने रेंट आउट किया है वो ऐसे भी कर सकते थे कि आप वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे वो अगर वो देते और वो वहाँ पे होते ये बाहर दुनिया में अक्सर, तो आप पाकिस्तान के अपने एसेट्स होते, तो बजाय उसके आप उससे डबल आप वो किराया दे रहे हैं, तो क्यों आप मुल्क के साथ ये नुकसान। तो उस चीज की हमने, मैंने पूरा रिकॉर्ड मांगा है, वो भी इंशाल्लाह आपको। चीफ जस्टिस साहब की सारी तफसीलात आई है कि नहीं उनकी सैलरी के अलावा? मैंने आपको बताया कि कंप्लीट नहीं है, जब सब कुछ आ जाएगा उसमें तमाम अदालतों का भी कि कौन सी गाड़ियां किस किस के साथ, कौन से वजीर आजम प्रेसिडेंट वो कौन सी गाड़ियां हैं, तो वो बुलेट प्रूफ भी जरा आ जाए। नूर आलम साहब, फॉरेन ऑफिस के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्तलिफ सेक्शंस के आपने डीजीज को तलब किया, वो किस हवाले से? वो इसलिए कि देखें, पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, वहाँ पे बाहर के कांग्रेसमैन, मैं एज अ पाकिस्तान का मेंबर नेशनल असेंबली, मैं तो अमेरिका के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ, मैं तो लंदन और UK के उसमें मैं इंटरफेरेंस नहीं करता हूँ, मेरा उनके निजी मामलात में ना मेरे हुकूमत, ठीक है हम गरीब मुल्क ज़रूर होंगे, लेकिन आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप मेरे मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं? तो उस लिहाज से मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री के, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को, मैंने उनके DGs को वो किया, ताकि उन्होंने क्या वहाँ के जो डिपार्टमेंट, अगर स्टेट डिपार्टमेंट है, अगर UK में है, कोई दूसरे मुल्क में है, उनसे आपने क्या वो किया है, उनको जवाब क्या दिया कि आप UN के चार्टर के लिहाज से आपने उनको जवाब दिया है कि आप हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, आप अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में नज़र रखें, इंटरनेशनल और इस चीज़ों में आपका काम। सर, ये अमेरिका और UK से कौन लोग हैं जो इंटरफेरेंस कर रहे हैं? ये जो मैं आपको पता नहीं है, आपने नहीं देखे कि कांग्रेसमैन वहाँ के वो लगे हुए हैं, वो और हमारे ही जो यहाँ से चले जाकर वहाँ पे हेल्प ले लेते हैं वो लगे हुए हैं जाकर। और दूसरी बात ये है, उनको मैं बताना चाहता हूँ उन सबको, कि अगर आपको वह आप आए पाकिस्तान में रहें और फिर बात करें, ऐसे नहीं है वहाँ पे आप बैठकर। और दूसरी बात यह है कि किसी मुल्क को मेरे मुल्क पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करने का हक नहीं है।